नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका हिलक्रेस्ट न्यूज में। चलिए डालते हैं नजर आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के निधन पर श्रद्धांजलि देने वालों का आना जाना लगा रहा। जंतर मंतर स्थित आवास पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए। उन्होंने नम आंखों से सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी और परिवार जनकों को सांत्वना दी। विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज का पीएम मोदी के साथ तालमेल बहुत ही अच्छा था। इसी के साथ हम बात करते हैं अगली खबर की। देश के पूर्व विदेश मंत्री एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात को निधन हो गया। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। सुषमा की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में की जा रही है जिनका मुरीद देश ही नहीं बल्कि विदेश में बसे भारतीय एवं अन्य मुल्कों के लोग भी हैं। इसके साथ ही सुषमा स्वराज ने निधन से 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने धारा 370 हटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। उन्होंने लिखा था, प्रधानमंत्री जी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, मैं आपके जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी के साथ हम नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारी बारिश से कुल्लू में तबाही हुई, बादल फटा, मनाली में एक पुल भी बह गया। हिमाचल के कुल्लू जिला में भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार जिले की ऊंची घाटी में हलाना पंचायत के बड़ा ग्राम में मंगलवार देर शाम बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पतली कुल्हा बाजार को हुआ। बादल फटने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सुबह 4 बजे पतली कुल्हा बाजार को खाली करवाया गया। जल स्तर के बढ़ने से ब्यास नदी पर बना सोलंग गांव का पैदल पुल भी बह गया। हैरानी की बात तो ये है कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी इस गांव में स्थायी पुल नहीं बन पाया है। इसी के साथ हम नजर डालते हैं अगली खबर पर। सांसद में ओवैसी ने पूछा, हिमाचल में कब खरीद सकते हैं कृषि के लिए संपत्ति। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि गृह मंत्री स्पष्ट करें कि वह कब हिमाचल में संपत्ति ले सकेंगे। ओवैसी ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि कब वह अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप भी जा सकेंगे। ओवैसी ने कहा कि सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को कारपोरेट सेक्टर देने जा रही है। आपको बता दें कि धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती है। गैर हिमाचली को यहाँ जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ हम डालते हैं नजर रोजगार की खबरों पर। चंबा जिले में लगेगा रोजगार मेला, 300 लोगों को मिलेगी जॉब। प्रदेश में चंबा जिले में रोजगार मेला लगने जा रहा है। यहाँ करीब 300 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मेले में प्रदेश भर के युवा भाग ले सकते हैं। यहाँ रोजगार मेला जीवन लक्ष्य ITI राजपुरा में 9 अगस्त को लगेगा। रोजगार मेले में वाहन तैयार करने वाली माइक्रो टर्नर कंपनी प्रदेश के करीब 300 युवाओं को नौकरी प्रदान करने जा रही है। रोजगार मेले से एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को युवा अपने दस्तावेज ITI प्रबंधक के पास जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब रेजिमेंट की DCC भर्ती रैली 22 अगस्त को। पंजाब रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ छावनी झारखंड 22 अगस्त को DSC में भर्ती हेतु भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। उपनिदेशक जिला सैनिक कल्याण मेजर राघवीर सिंह ने बताया कि इस भर्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी को पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 21 अगस्त को रिपोर्ट करना होगा। तो ये तो थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों के साथ बने रहिए हमारे चैनल HQ TV के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।